आप सब, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपने किचन में आपको सिखाने जा रही हूँ ग्रीन चटनी, हरी चटनी। बहुत सिंपल और झटपट बनेगी। तो चलें अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक अदद जग। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक कप के जितना पुदीना, फ्रेश पुदीना है, तकरीबन 2 बंच थे। इनको साफ़ करके और मैंने धो के सुखा लिया है। तो अब ये इसके अंदर जाएगा। यहाँ पे मैंने 1 कप लिया है हरा धनिया, तो ये जाएगा इसके अंदर, फ्रेश है बिल्कुल। फ्रेश की ही चटनी बनाइएगा क्योंकि ज़्यादा अच्छी होती है, खुशबूदार। यहाँ पर मैंने लिए हरी मिर्चें तकरीबन 10 अदद। अगर आपकी तीखी हैं तो आप कम भी कर सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 10 अदद लेके इनको ऐसे कट कर लिया है। ये ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून भुना पिसा ज़ीरा और 1 टीस्पून जो है मैंने लिया है लाल मिर्च। सब ऐड करेंगे। पानी डालेंगे, आधा कप हम इसमें पानी ऐड करेंगे और आधा बचा लेंगे। अगर हमें ज़रूरत होएगी तो फिर हम उसको मज़ीद ऐड करेंगे। कवर करेंगे मशीन लेकर। अब इसको अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे ताकि ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाए। तो ये देखिए चटनी हमारी अच्छे से मिक्स हो रही है। बहुत अच्छी तरह से हमने इसको ब्लेंड करना है। तो तैयार है हमारी मज़ेदार सी चटनी। तो अब हम इसको अपने बाउल में निकाल लेंगे। इसको फ्रेश बना के भी आप यूज़ कर सकते हैं, और इसको आप बनाकर किसी ट्रे में लगाएं, और इसको आप इस तरह से फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ट्रे में रख दें, किसी प्लेट में रख दें, और जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाए तो फिर आप जो है वो इसकी पीसेस कर लें। ये देखें कितनी मज़ेदार सी है, झटपट सी बनती है। इसको आप दही के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको ऐसे भी खा सकते हैं। इसका जो तीखापन है वो आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, मतलब अगर आपको तीखा कम पसंद है तो आप इसमें हरी मिर्चों की क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। तो इसको दही में डाल के खाएं, ऐसे ही खाएं, समोसों के साथ, जिस भी चीज़ के साथ, पकोड़ों के साथ। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। रमज़ान आ रहा है, आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह रमज़ान में कोशिश करूँगी कि आपको अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ दे सकूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, और मेरे वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।